विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। यदि बात की जाए ये वैश्विक महामारी कोरोना के बारे में, तो कोरोना योद्धन के चलते यह कहो न कहो यह कोरोना वैश्विक महामारी से भारत जीत की ओर अग्रसर है और यह माना जाता है कि कोरोना योद्धन के बड़ी महती भूमिका यह पूरे कोरोना वैश्विक महामारी में रही है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरन के घर पहुंचे के जद्दोजहद में कहो न कहो जो तस्वीर निकल के सामने आई रही ओका देख के पत्थर दिलों पसीज गा हुई, किंतु वह दौरान एक रियल हीरो जौन पहले तो अपने अभिनय से लोगन के दिलन का जीतिन, अब कहो न कहो लोगन के मदद के ऐसा हौसला देख के कहो न कहो लोग अब वह व्यक्ति का वह अभिनेता का रियल हीरो मान रहे हैं। अपना पचन को बताया दी कि वह रियल हीरो से रीवा के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा एक मांग कीन गए कि हमारे सतना रीवा के कुछ प्रवासी मुंबई में फंसे हैं ता उनका मदद कीन जाए। फिर कह रहा सोनू सूद रियल हीरो के द्वारा वह ट्वीट का तुरंत रीट्वीट कीनगा और लिखागा कि सर अब कोई भाई कहीं नहीं फंसेगा, आपके प्रवासी भाई कल आपके पास भेज देंगे सर, कभी एमपी आया तो पोहा जरूर खिलाना। तो यह एक बेहतर कहो न कहो एक नजारा और नजरिया दिखात है कि जब एक नेता अभिनेता से मदद मांगत है वो अभिनेता एक छोट का शर्त गुदगुदाए वाली शर्त रख देते है कि जब एमपी आई तो हमका पोहा जरूर खवाई। तो मतलब एक बेहद बेहतरीन जज्बा है रियल हीरो सोनू सूद के कि उनके मदद से सैकड़न हजारन के तादाद में प्रवासी जो हैं अपने गांव, अपने मोहल्ला, अपने कुटुंब, अपने कुनबा तक वापस लौट पाए, उनकर घर वापसी हो पाई, सुरक्षित घर वापसी हो पाई और कहो न कहो एमा देश के भारत के ये मिट्टी के कोरोना योद्धा के एमा बड़ा योगदान है। जोनी खातिर एमपी संदेश न्यूज 24 मध्य प्रदेश विंध्य भारत के वह हर कोरोना योद्धा का सलाम करत है जी यह वैश्विक महामारी में अपन अंश मात्रों के योगदान दीने हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।